झारखंड की राजधानी रांची में ईडी दफ्तर के सामने पूरे प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को अब बदलकर सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राज्य मुख्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि अभी भाजपा की जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी का डरावना दिखा रहे हैं। ईडी के द्वारा इनको परेशान करने का तरीका अपना रहे हैं, जो बेवजह है। पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी निर्दोष है। जिस मुद्दे को लेकर ये लोग चिल्ला रहे हैं, आगे आ रहे हैं, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दिया जा चुका है। जो लोग दावा किए थे कि इनके ऊपर जो चार्ज बनता है, ईडी का जो धमकी दे रहे हैं, ये हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इसको पूरा सूचना दिया जा चुका है, उधर से इसको क्लीन चिट मिला हुआ है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को डर है, देश की जनता को अपने मुद्दों से भटकाना चाहती है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कांग्रेस के द्वारा इस देश में निर्मित किए गए थे, उनको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं आम लोगों को देने के लिए। इसी चलते ये देश की लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से समय समय पर देश की जनता को भड़काते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं और देश की धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को जानबूझकर डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। हम लोग कभी झुकेंगे नहीं और अंतिम दम तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में जो प्रजातंत्र के तरीके से हम लोग मोदी जी को हराएंगे और इस देश की गद्दी से मोदी जी को हटना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से पूरे देश में आज हम लोग पूरे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप जो ईडी का और जो समाज संवैधानिक संस्थान है उनका जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।